नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का आज अनशन जारी है। आज पहला दिन है, शाम ढलने को है। फिलहाल इस वक्त डॉक्टर उनके ब्लड प्रेशर की जांच कर रहे हैं। दरअसल आज सुबह से ही रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ भी खाना नहीं खाया, यही वजह है कि डॉक्टर समय समय पर उनका चेकअप कर रहे हैं। कितना है ब्लड प्रेशर? 175। कितना बढ़ा हुआ है? नॉर्मल है भाई, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, सुबह में क्या हालात थे सर? नॉर्मली था? तो नॉर्मल था, वो नॉर्मल था। 80 था नीचे वाला, 140 था ऊपर वाला। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आज पहला दिन है और पहले ही दिन उपेंद्र कुशवाहा का जो स्वास्थ्य है, कहीं ना कहीं जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया है। और चेहरे पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने आज सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया है। फिलहाल डॉक्टर उनकी जाँच कर रहे हैं, नर्व्स की जाँच कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ब्लड प्रेशर की भी जांच की। लगातार डॉक्टर की टीम जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं और लगातार थी उपेंद्र कुशवाहा के स्वास्थ्य की जांच करी है। फिलहाल जो डॉक्टर हैं उनके वजन की जांच कर रहे हैं। आखिर क्या उपेंद्र कुशवाहा का वजन है? अभी तस्वीरें देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा अपने वजन का नाप दे रहे हैं और हम जानेंगे। हाँ, ये देखिए उपेंद्र कुशवाहा अपने कितना वजन है। 63 केजी फिलहाल अभी उपेंद्र कुशवाहा का वजन है। तो समय समय पर जो डॉक्टर हैं वो मुआयना कर रहे हैं, उनकी इस तमाम जो स्थिति है उनके स्वास्थ्य को लेकर वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज से ही शिक्षा को लेकर, दरअसल बिहार में दो जगहों पे केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा का अनशन जारी है। दरअसल इनकी मांग है, जब ये केंद्रीय राज्य मानव संसाधन मंत्री होते तो बिहार में दो जगहों के लिए इन्होंने केंद्रीय विद्यालय प्रस्ताव किए थे, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अभी तक NOC नहीं दिया गया। यही वजह है कि केंद्रीय विद्यालय अब तक बिहार में जो दो इनकी मांग थी जो खोलना चाहिए, एक औरंगाबाद एक नवादा में, वो अब तक नहीं खुल पाए। तस्वीरें देखिए पटना के मिरर ग्राउंड की है, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा का अनशन अभी जारी है। लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं और जो रालोसपा के कार्यकर्ता के साथ साथ स्कूली बच्चे भी आए हैं, जो शिक्षा सुधार नहीं तो जीना बेकार के स्लोगन के साथ अब पीछे उपेंद्र कुशवाहा के स्कूली बच्चे भी देख रहे होंगे। स्कूली बच्चे उनके अनशन का समर्थन करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार उपेंद्र कुशवाहा भी तमाम जो चीज़ें आप देखिए किस तरीके से मिला ग्राउंड में घटनाक्रम घटे। आज बता दें कि दोपहर में महागठबंधन के नेता, ये तमाम जो नेता आए थे तेजस्वी यादव को छोड़ के, चाहे VIP पार्टी के मुकेश सहनी हो जाए, चाहे हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी हों, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हों, चाहे लेफ्ट पार्टी के नेता, तमाम नेताओं ने आज उपेंद्र कुशवाहा के इस आमरण अनशन में शिरकत किया था और उन्हें अपना समर्थन दिया था। आज अब शाम ढलने को है, उपेंद्र कुशवाहा के पीछे साथ में स्कूली बच्चे बैठे हुए हैं, उनके साथ समर्थन दे रहे हैं। ये शिक्षा सुधार नहीं तो जीना बेकार, यही नारा है रालोसपा पार्टी का और इसी नारे को, स्लोगन को कागज़ पर लिखकर स्कूली बच्चे लाए हैं और लगातार उपेंद्र कुशवाहा के इस आमरण अनशन में अपना सपोर्ट कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, और ये हम पार्टी के नेता भी मौजूद हैं और इधर महिला कार्यकर्ता जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो दूसरी छोर भी हम आपको एक एक तस्वीर नारा दिखाएं। शाम ढलने को है, अब क्या कुछ हलचल पटना के मिलर ग्राउंड पे फिलहाल अभी चल रही है। थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा के स्वास्थ्य की जांच की गई थी डॉक्टरों की टीम के द्वारा और फिलहाल जो स्कूली बच्चे हैं वो आए हैं और अपना सपोर्ट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दे रहे हैं। पल पल की अपडेट हम आपको देंगे उपेंद्र कुशवाहा से अनशन जुड़े हुए। फिलहाल अनशन जारी है, थोड़ी देर पहले डॉक्टरों की टीम ने उनके स्वास्थ्य का मुआयना किया, उनके ब्लड प्रेशर की जांच की, जहां पर पाया कि उपेंद्र कुशवाहा का ब्लड प्रेशर सुबह के मुकाबले अभी देर शाम बढ़ा हुआ है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।